कोई व्यक्ति थे तो ये वंजना समाज वाला जैसा समाज का, और उसके बाद में उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम एक जगह पे नहीं रहेंगे, एक जगह पे नहीं डटेंगे, एक जगह पे नहीं सोएंगे, एक जगह पे हम बिजनेस नहीं करेंगे, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा। देश आजाद होने के बाद में, देश आजाद होने के बाद में बंजारा समाज की सहायता, बंजारा समाज से वो आपको मालूम होगा बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उनकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराजा ने की थी और जवाहरलाल जी प्राइम मिनिस्टर थे। और वो जवाहरलाल जी ने कहा था कि आपने तो मेवाड़ की आजादी के लिए कसम खाई थी, आज पूरा हिंदुस्तान आजाद हो गया है और आप एक जगह रहो, एक जगह बसो, एक जगह करो तो सरकार आपके साथ में। लेकिन आज पांचवा वसंत राव जी की जो आपका विचारों को लेके पांचवा अधिवेशन की जो कल्याण में तैयारी कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। पर क्यों कि बंजारा समाज हर स्टेट में, राजस्थान से निकला, गुजरात गया, गुजरात से महाराष्ट्र आया, उधर से मध्य प्रदेश गया, मध्य से उधर गया और पूरे राजस्थान पूरा भारत में बसा हुआ है। लेकिन आज वो समाज का दर्द ये है कि ये समाज को जो सरकारी फायदे मिलने चाहिए थे वो ये सरकार समाज को नहीं मिला। राजस्थान में एक मिला है, राजस्थान में एससी और एससी दोनों में गिने जाते हैं, पर जरा को भी नहीं मालूम है हम एससी है या एससी है, ये सरकार की कौन सी पॉलिसी है। मध्य प्रदेश में एक उनको सुविधा मिल रही है, कर्नाटक में एक मिल रही है, तो कम से कम आप इस पांचवे साहित्य सम्मेलन के माध्यम से पूरे समाज को अगर एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज से इससे बढ़ा बढ़कर समाज के लिए कोई कार्य नहीं होगा। और मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगा और खास करके जो विद्यालय मेरी बहन है उसको मैं धन्यवाद दूंगा कि मैंने इसको कांग्रेस का टिकट दिलवाया था और चुनाव लड़ा। भैया मैं तो घर में रहती हूँ, मैं कहा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मनीष को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने थोड़ा भैया बोलता तो दूसरा मैं बोला